बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिखाया रौद्र रूप, थर थर कांपे स्वामी प्रसाद मौर्य। बसपा सुप्रीमो मायावती आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रही हैं। लगातार बैठकें कर वो अपने पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दे रही हैं कि किसी भी कीमत पर अपने खोए हुए कोर वोटर्स को वापस लाया जाए। मायावती के इस आदेश के बाद बीएसपी नेताओं के सामने न सिर्फ अपने वोटर को वापस लाने की बड़ी चुनौती है, बल्कि नए लोगों को पार्टी से कैसे जोड़ा जाए ये भी बड़ा चैलेंज है। चुनावों को अकेले अपने दम पर लड़ने का ऐलान करने वाली मायावती ने हाल ही में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान की कड़ी निंदा की थी, जिसमें वो हिंदुओं के प्रमुख मंदिरों की जांच कराने की बात कर रहे थे। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी पर हो रहे सर्वे को लेकर कहा था, अगर सर्वे हो ही रहा है तो फिर सभी हिंदू मंदिरों का होना चाहिए, क्योंकि कई हिंदू मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बने हैं। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम भी बौद्ध मठ था, आदि शंकराचार्य ने उसे हिंदू मंदिर बनाया। ऐसे में अगर किसी एक की बात चलेगी तो फिर सभी की बात चलेगी, हम गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद उनकी खूब आलोचना हुई थी। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को जमकर फटकारा था। मायावती ने लिखा था, समाजवादी पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान कि बद्रीनाथ सहित अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं तथा आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का क्यों बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों का भी होना चाहिए, नए विवादों को जन्म देने वाला ये विशुद्ध राजनीतिक बयान। जबकि श्री मौर्य लंबे समय तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, किंतु तब उन्होंने इस बारे में पार्टी व सरकार पर ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाया, और अब चुनाव के समय ऐसा धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी व सपा की घिनौनी राजनीति नहीं तो क्या है? बौद्ध व मुस्लिम समाज इनके बहकावे में आने वाले नहीं। मायावती का रौद्र रूप देख अब स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर थोड़े से नरम पड़ते हुए नजर आए। हाल ही में मौर्य से मायावती के बयान को लेकर जवाब मांगा गया तो उन्होंने इस विवाद से दूरी बनाने में ही खुद की भलाई समझी। मौर्य ने कहा, मायावती जी मेरी नेता रही है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी भावना किसी को आहत करने की नहीं है, मैं उनको सावधान करना चाहता हूं जो लोग हर मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं, मंदिर में बौद्ध मठ खोजने वालों के पास सबूत है, मैं कहता हूं आपसी सौहार्द को पैदा कीजिए, आपसी लड़ाई में न उलझे। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान बताने के लिए काफी है कि वो मायावती की इज्जत तो करते ही हैं, साथ ही उनके बयान के विरोध में बोलना भी उचित नहीं समझते। बहरहाल अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।